अस्सलाम वालेकुम फैंस और व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप ठीक हैं? मैं इस्माइल यूनुस बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। सो ऑब्वियसली मैं एनालिसिस दूंगा बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने मैच जीत गई है, बहुत आसानी से जीत गई है। मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान ने जाहिर बात है मैच जीतना था। लेकिन मैं अगर बात करूँ, बांग्लादेश का टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला गलत था, क्योंकि बॉल रुक रुक के आ रहा था, बॉल रुक रुक के भी आ रहा था। और मैं समझता हूँ जब बॉल बीच में फंसता है ना विकेट में, तो आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, फिर जाके आपको विकेट्स अर्ली ऑन मिलती हैं। लेकिन मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ शाहीन अफरीदी, बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली। अच्छा लगा कि काफ़ी फॉर्म के उसने अपनी फॉर्म रिगेन कर दी, फॉर्म में वापस आ गया। सो देखते आने वाले मैचेस में वो कैसा परफॉर्म करता है। हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग की, अच्छा लगा उसने भी अच्छी बॉलिंग की। फिर साथ में वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उसने। तो मैं समझता हूँ एक काफ़ी डिसेंट बैट और बॉल के साथ परफॉर्मेंस नज़र आई। लेकिन मैं अगर बांग्लादेश की बात करूँ, तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही पैथेटिक किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली है, नो क्लू व्हाट्सएवर। आप देखें ना, बैटिंग सही हो रही है ना बॉलिंग सही हो रही है। इतने अरसे से उनको इंटरनेशनल स्टेटस मिला है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वे दे शुड बी परफॉर्मिंग। सो ये बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा, ये बांग्लादेश की मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। और बांग्लादेश का भी यही हाल है जैसे उनके पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे हाल होता है, कि वहाँ पर भी सियासत फैली हुई होती है क्रिकेट में। जब आपको पता है कि प्लेयर्स के साथ और जब कोचेस के साथ आपस में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, तो परफॉर्मेंसेस कभी भी बेहतर नहीं होती और यही एवरेज रिजल्ट्स आते हैं। और जब ऐसे एवरेज रिजल्ट्स आते हैं तो एवरेज परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। ये बांग्लादेश के साथ हुआ, काफ़ी मैचेस में देख रहे नंबर चेंज करे जा रहे हैं, जिस प्लेयर की जो पोजीशन है वो उस हिसाब से नहीं खेल रहा। तो इट मींस दैट उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आ रहा है। शकीब ने भी बिल्कुल रन्स नहीं किए इस पूरे टूर्नामेंट, महमूदुल्ला की अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में। आई थिंक वही सिर्फ प्लेयर रहा है जिसने परफॉर्म अच्छा किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में, अदरवाइज किसी भी प्लेयर ने मुझे नहीं याद कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करूं, अगेन फखर जमान ज़बरदस्त इनिंग्स, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, जैसा खेला वैसे ही खेलना चाहिए था। मैं यही चीज़ चाहता था, आपके पास ओपनर्स हो तो एक एंड पे ऐसा ओपनर हो जो अग्रेसिव क्रिकेट खेले और दूसरे एंड पे ऐसा ओपनर हो जो थोड़ी सी बारी लगाए। अब बाकी मैचेस में ये नज़र आ रहा था, इमाम और जब अब्दुल्ला बैटिंग कर रहे थे, वो सिमिलर टाइप के प्लेयर है, वो अपना विकेट पर लेते हैं टाइम। तो मैं समझता हूँ कि जब इमामुल हक बेंच पे बैठा होगा, तो उसको इतनी अक्ल आ गई होगी, इतनी समझ उसको आ गई होगी कि ऐसे इनिंग्स खेलते हैं, ऐसे स्कोर करते हैं रन्स, और ऐसे ओपनर को स्टार्ट देना चाहिए अपनी टीम के लिए। और फखर जमान ने टीम के लिए ही खेला था, और यही चीज़ हमें चाहिए फखर जमान से, कि वो अटैक करे। और बेशक अब्दुल्ला शफीक अपना टाइम लेना चाहता है, तो बेशक वो अपना टाइम ले। तो ह्यूज कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान। अब देखते हैं क्या साउथ अफ्रीका जीत पाएगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या नहीं। सारी उम्मीदें साउथ अफ्रीका पर हैं, अगर साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान के कोई चांसेस बन सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ क्रिकेट है, मे द बेस्ट टीम विन, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो चले आज के लिए इतना ही, मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।